वाली हूँ, कॉर्नर कॉर्नर पे क्या क्या प्लेसेस हैं और आप यहाँ पे आने के बाद क्या क्या विजिट कर सकते हैं। सिंगल आ रहे हैं, आपको सिर्फ क्रॉस करना है तो गाइस एक दिरहम में, सिंगल वन दिरहम्स में आप क्रॉस कर सकते हैं अगर आपको, बट ये शेयरिंग वाला होगा। बट अगर आपको अकेले आना है, यू जस्ट नोबडी, यू डोंट वांट टू शेयर यू नो द बोट विद एनीबडी, देन इट विल कॉस्ट यू 15 dirhams, 15 dirham लगेगा आपको अगर आपको अकेले आना है। और अगर आपको पूरा राउंड लगाना है तो दे विल, इट विल कॉस्ट यू अप्रॉक्स 100 rupees 100 dirhams। दुबई क्रीक की बात करते हैं, इस एरिया की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है ये सेपरेट करता है देरा को नॉर्थ पे और बुरदुबई को साउथ पे। तो ये एरिया और जो आप ये इधर का एरिया देख रहे हैं, ये दोनों को सेपरेट करता है, एक नॉर्थ के साइड पे और दूसरा साउथ के साइड पे। तो इस राइड के दौरान हम कुछ और बात कर लेते हैं, जैसे कि जो अलबस्ताकिया डिस्ट्रिक्ट है, या बोले कि जो दुबई म्यूज़ियम है या जो हेरिटेज विलेज है, वो भी यहाँ पर कवर होने वाला है। हम निकलते हुए जाएँगे वहाँ से। और 1787 का बहुत ही पुराना जो बर्ड जो म्यूज़ियम है वो यहाँ पे लोकेटेड है, जो कि अल फहीदी जो फोर्ट है उसके अंदर बना हुआ है, वो आप चेक कर सकते हैं। देरा में बोर्ड सुख है, इलेक्ट्रॉनिक में मोबाइल सुख है, और टेक्सटाइल पे है। टेक्सटाइल तो उधर है ना, टेक्सटाइल इधर भी है, होलसेल। अच्छा, मतलब स्पाइस मार्केट भी इधर है। ओके, और बस में देरा साइड में आपको बनियास में सारा चीज़ है, और देरा साइड में सिटी सेंटर भी है, देरा सिटी सेंटर वो भी देरा साइड में है, अलगुरार सेंटर वो भी देरा साइड में है। देरा साइड जाते हैं तो सारे के सारे सूख मिल जाएगा, फिर गोल्ड सूख हो या स्पाइस मार्केट हो, कुछ ईरानी मार्केट है, आगे जाके परफ्यूम सूख भी है। अपोजिट साइड जो है वहाँ पर बहुत बड़ा टेक्सटाइल मार्केट है, साथ ही साथ मीना बाजार है, जो अभी मैं वापस जाने वाली हूँ क्योंकि मैं वेट कर रही हूँ थोड़ा अंधेरा हो जाए, लाइट्स वगैरह अच्छा लगेगा। और लोग काफ़ी प्रेफर करते हैं, स्पेशली जो सनसेट का टाइम होता है, जो कि अभी ऑलमोस्ट तो ख़त्म होने वाला है, तो सनसेट के टाइम पे लोग आते हैं और उन्हें अच्छा लगता है जब यहाँ से पूरा का पूरा राउंड मारते हैं। जगह का नाम हुआ अलसेप है, उसमें सारा मुल्क का एम्बेसी यहाँ पे होती है, यूनाइटेड स्टेट एम्बेसी, बाजू में सऊदी एम्बेसी, उसका पीछे कतर एम्बेसी, कतर एम्बेसी अभी उसका साथ रिलेशन नहीं है, बल्कि कतर एम्बेसी अभी बंद है, उसका पीछे इंडियन एम्बेसी, पाकिस्तान एम्बेसी, लेबनान एम्बेसी, सारा एम्बेसी यहाँ पे है। ये एरिया आ गया हमारा एम्बेसी का एरिया, जहाँ पे आपको सारी मैक्सिमम जो कंट्रीज है वहाँ की एम्बेसीज मिल जाएगा। अलशेप एरिया मतलब रेस्टोरेंट है, इसमें ये एरिया में रेस्टोरेंट है, परफ्यूम शॉप है। तो 100 dirham के अंदर अंदर है फ्लोटिंग जो रेस्टोरेंट है, आप इनके टिकट ले सकते हैं, आराम से खाना पीना खा के मस्ती कीजिए।